पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के चार कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के तीन विधायक देहरादून पहुंचे हैं। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि ये नेता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करने देहरादून पहुंचे हैं। इन नेताओं में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी और सुख सरकारिया भी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कोई विवाद नहीं है। सर, हरीश रावत जी मौजूद है। सर, कुछ नेताओं की खबर है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं क्योंकि सिद्धू और अमरिंदर सिंह डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई विवाद नहीं है। ये कुछ और फैक्टर्स इमर्ज किए हैं। एक तो सिद्धू साहब के एक एडवाइज़र, पता नहीं क्या बयान उन्होंने दिया। सिद्धू तो कहते हैं डिस्टॉर्टेड है, लेकिन यदि बयान दिया है बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। तो एक तो उस बयान ने कुछ स्थिति खड़ी की है, और कुछ हमारे शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों के खिलाफ वो विंडक्टिव एक्शन जैसे हो रहे हैं, तो मैंने उस पर अप्रसन्नता भी जाहिर की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी पता चला कि कुछ लोग एक जगह बैठे हैं, विधायकगण बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने उनको कुछ एडवाइस दी, और यदि उन्होंने मानी हो मेरी एडवाइस तो वेल एंड गुड। और उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो हमसे मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा वो किसी समय भी वेलकम है। हाईकमान का इसमें रोल, और क्योंकि हाईकमान को आप ही रिपोर्ट करेंगे, तो हाईकमान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सब जो डेवलपमेंट हैं मैं हाईकमान के सामने रखूँगा, और देखते हैं उसमें क्या सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि एक दिन पहले पार्टी कार्यालय में सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ आपात बैठक की, जिसकी एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इस बैठक में देहरादून पहुंचे कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी शामिल रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही नेता है, वही मंत्री हैं जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात की है, और अब बगावती सुर शुरू हो चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब कांग्रेस में। यानी कि जो तनातनी थी कैप्टन वर्सेस सिद्धू की, वो अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब कब सुलझेगा। और तृप्त बाजवा का एक ट्वीट भी आया है, जिसमें तृप्त बाजवा का उन्होंने लिखा कि तृप्त बाजवा का फोन आया, जिसमें उन्होंने आपात बैठक बुलाने के लिए कहा। पीपीसीसी कार्यालय में दूसरे साथियों के साथ उनसे मुलाकात की गई। आलाकमान को स्थिति से अवगत कराएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ट्वीट जरूर किया है। और अरुण सिंह दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, दीपांकर भट्ट देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं, और पंकज कपाही भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हुए दीपांकर आपके पास ही आएंगे, मुलाकात को लेकर अब क्या जानकारी आपके पास आ रही है? क्या मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं? किस तरह पूरा मसला सुलझाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो पंजाब से जो मंत्री हरीश रावत से मिलने आए वो पहुंच चुके हैं, और इस वक्त एक प्राइवेट होटल में है, और वहाँ हरीश रावत का घर वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मैं इस वक्त हरीश रावत के घर पर मौजूद हूँ, और यहाँ से हरीश रावत सबसे कुछ देर में निकलने वाले हैं। उनका एक उपवास का कार्यक्रम भी था, वो कार्यक्रम फिलहाल यहाँ पर टाल दिया गया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब कांग्रेस के बीच जो विवाद है सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच, उसको हरीश रावत किस तरीके से सुलझाएंगे, तो अब सबकी नजरें इस पर टिकी है। माना जा रहा है कि अब से 2 से 3 मिनट के बाद हरीश रावत यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि हरीश रावत ने कल एक बात साफ कही थी कि पंजाब कांग्रेस में दोनों नेताओं के कोई बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो साफ है कि वहां बड़ा विवाद जरूर है। और जो नवजोत सिंह सिद्धू जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसमें एक अहम रोल प्रभारी के तौर पर हरीश रावत का था, तो ऐसे में अब जबकि वो वहां के प्रभारी हैं, तो किस तरीके से जो मंत्री और विधायक पंजाब से आए उनकी बातों को सुनते हैं, उस बात को किस तरीके से वो हाईकमान के सामने रखेंगे, और आज ये मुलाकात अभी जो पंजाब से आए हुए नेता है हरीश रावत, उनकी कितनी देर की मुलाकात होती है शिवानी, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। तो आपसे कुछ देर में हरीश रावत अपने घर से उस होटल के लिए रवाना होने वाले हैं जहां पर पंजाब कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। जी दीपांकर, यानी कि अब हलचल और ज्यादा बढ़ती जा रही है।
हालांकि हरीश रावत का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है और इसी वजह से कई कार्यक्रम भी उन्होंने रद्द कर दिए हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के विधायक फतेह सिंह बाजवा ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब के सीएम रहेंगे। पहली बात तो यह है, अभी वो चार कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज स्टिल द मोस्ट लव्ड फेस इन पंजाब एंड द एंटायर कांग्रेस इज विद हिम, स्पेशली द हाईकमान। What five stooges or five ministers or five extras says doesn't make any difference. जी ने क्या सोच के क्या रखा, उनकी अपनी prerogative है, वो रख सकते हैं advisor 10 और रखे, पर इस किस्म की बातचीत करना, इस किस्म के comments देना कोई अच्छी बात नहीं। और अरुण सिंह लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए अब क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा पार्टी आलाकमान की ओर से, और क्या अभी तक इस मसले पर कोई स्टेटमेंट आया है? देखिए, पार्टी ने जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, तब भी उसको इस बात का इम्कान था, इस बात का अंदेशा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे खुश नहीं होंगे, नाराज होंगे, और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने के लिए हरीश रावत से लेकर के राहुल गांधी तक सबने उनको ये एश्योरेंस दिया था कि जिस बात का संकेत आप कर रहे हैं कि सिद्धू आगे चल के उनकी कुर्सी के लिए खतरा होंगे या खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी उनको इस बात का आश्वासन दिया गया था पार्टी आलाकमान की तरफ से और खुद हरीश रावत की तरफ से कि आप ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुख्यमंत्री पद में बदलाव कतई नहीं किया जाएगा और अगले चुनाव में आप प्रमुख चेहरा होंगे। हालांकि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं और उनको ही जनता के बीच अपनी उपलब्धियां लेके जाना है। पूरी पार्टी को सरकार की उपलब्धियां ही जनता को बतानी होती हैं और इसलिए उनके चेहरे को दरकिनार करके चुनाव नहीं जीत सकते हम। ये बात स्पष्ट तौर से उस वक्त हुई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष पद पर हुई थी कैप्टन के विरोध के बावजूद। तो सत्ता का संतुलन साधने के लिए ही नेतृत्व ने पार्टी दे दी थी नवजोत सिंह सिद्धू को और सरकार पूरी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास थी, लेकिन अब जो समीकरण बदले हैं कि सिद्धू अध्यक्ष बनने के बाद एक कदम और आगे चल रहे हैं और उनके समर्थकों ने अब मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर दी है, इससे नेतृत्व भी असहज है। नेतृत्व भी ऐसा सोचता है कि उसने जो एक फार्मूला दिया था, एक बीच का रास्ता निकाला था, उसको कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। और इसीलिए जिन नेताओं ने कल ये कहा था कि हम सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे जाके दिल्ली में, सोनिया गांधी की तरफ से कोई वक्त इनको नहीं दिया गया है, ये लोग जाकर के प्रदेश के प्रभारी महासचिव से मिल रहे हैं जो कि कभी भी कोई नेता उस स्टेट का मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इनकी मांग को इंटरटेन करने की एक तरह से मैं जो समझ पा रहा हूं और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, कांग्रेस पार्टी इनके मिलने के समय मांगने पर भी मुश्किल से ही समय देगा, इस तरह की बात कही जा रही। जब तक कोई ठोस बात नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर